नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। दक्षिणपंथी संगठन हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों के खिलाफ उत्तराखंड के देहरादून में एक केस दर्ज किया गया है। ये मामला 20 और 21 मार्च का है, जहां 150 से 200 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन घोषित करने वाला पोस्टर लगाने के सिलसिले में। दरअसल पोस्टर के पीछे वजह यूपी के गाजियाबाद में हुई घटना है, जहां एक मंदिर में पानी पीने के लिए एक मुस्लिम लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और धर्म की लड़ाई एक बार फिर सामने आ गई। घटना के कुछ दिन बाद संगठन ने देहरादून में ये पोस्टर लगाए थे। अब पोस्टर को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाले बैनर लगाए गए। ये बैनर दक्षिणपंथी संगठन हिंदू युवा वाहिनी द्वारा लगाए गए। उत्तराखंड में और भी मंदिरों में ऐसे बैनर लगाने की योजना है। बता दें कि देहरादून में 150 से अधिक मंदिरों में ये कहते हुए बैनर लगाए गए हैं कि परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद हिंदुस्तानी ने बताया कि देश के तमाम हिस्सों से आए दिन मंदिरों में तोड़फोड़, छेड़छाड़ समेत तमाम मामले सुनाई देते हैं, जिसे देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संगठन ने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले राजधानी देहरादून के सभी मंदिरों में बैनर लगाए जाएं। हिंदुस्तानी ने बताया कि जो मंदिरों के बाहर ये बैनर लगाए गए हैं, वो बैनर नहीं है बल्कि विधर्मियों के लिए संकेत है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये बैनर नहीं है, ये एक संकेत है उन विधर्मियों के लिए कि इस मंदिरों में, इस देवालयों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पूरे भारत देश में नई नई तरह की वीडियो निकल के आती हैं, नई नई फोटो जाते हैं कि हमारे शिवलिंगों को तोड़ा गया है या मूर्तियों को तोड़ा गया है, उनके ऊपर पेशाब किया गया है, या हमारे मंदिरों में जाकर के बहु बेटियों को विधर्मी छेड़ते हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमने बैनर लगाया है। सूचना दी गई है उन विधर्मियों को कि इस मंदिर में आपका प्रवेश वर्जित है, ये हमारा देवालय है, कोई पिकनिक सपोर्ट नहीं है। हालांकि बैनर लगाने की मुख्य वजह ये है कि देश के तमाम हिस्सों से ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं दिखाई देती हैं। लिहाजा ये बैनर उन सभी गैर हिंदुओं के लिए एक संदेश है कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि यहां पर आकर तोड़फोड़ करेंगे। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे बैनर लगाए जाएंगे। यही नहीं, प्रदेश भर में हजारों बैनर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत राजधानी देहरादून से की गई है। अभी फिलहाल डोईवाला, विकास नगर, देहरादून, ऋषिकेश समेत अन्य क्षेत्रों के मंदिरों में बैनर लगाए जा चुके हैं। इसके बाद जल्द ही प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी बैनर लगाए जाने की योजना बनाई जा चुकी है। साथ ही बताएं, मंदिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ऐसे में हिंदू समाज का हक है कि वो इस तरह का बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, ताकि जिहादियों और विधर्मियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा सके। ये बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि बैनर क्यों लगाया गया है, मेरा सवाल ये है और ये प्रशासन को भी पूछना चाहिए कि वो हमारे मंदिर में आकर के क्या करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि उनके धर्म में तो जो मूर्ति पूजा जो अलाउड नहीं है, मूर्ति पूजा तो सिर्फ सनातन धर्म में अलाउड है, तो फिर वो क्यों आना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। देहरादून के दर्शनलाल चौक पर स्थित पंचायती मंदिर पर बैनर लगाने के दौरान एक महिला भी इसके समर्थन में नजर आई। सविता वर्मा ने बताया कि जो गैर हिंदू हैं, उनका मंदिरों में दाखिल होने का कारण क्या है, क्या उन लोगों का अपने धर्म से पेट नहीं भरा या उनको वहां से आधुनिक भोजन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर गैर हिंदू मंदिर आना चाहते हैं तो वो मंदिर के बाहर बैठकर साधना करें, लेकिन अगर मूर्तियों को खंडित करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो गैर हिंदू हैं, वो मंदिर में आने का कारण क्या है, क्या उनका अपने धर्म से पेट नहीं भरता, क्या उनको वहाँ भोजन नहीं मिलता, आत्मिक भोजन जो हमारे मंदिरों में वो आ रहे हैं, इसका कारण तो यही है ना कि वो वहाँ भूखे हैं, इधर पेट भरने आ रहे हैं, लेकिन आए, लेकिन आके यहाँ बाहर बैठ के तपस्या करें, साधना करें, हमारी मूर्तियों को खंडित करें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों, उनकी मस्जिदों में हम कभी भी मुड़के नहीं देखते, उनका यहाँ आने का कारण ही क्या है।
राजधानी में मंदिरों में लगाए जा रहे गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित बैनरों को लेकर अब पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पुलिस हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव के खिलाफ धारा 153 में मुकदमा दर्ज कर चुकी है। कई सारे मंदिर में जो शहर के साथ देहात क्षेत्र में भी हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का पंपलेट लगाया गया जिसमें शायद ये मेंशन था कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो देखा गया तो वास्तव में ऐसे बैनर थे। तो कोतवाली क्षेत्र में भी ऐसे कई मंदिरों में पोस्टर लगे थे, तो उसमें हमारी जो चौकी इंचार्ज धारा है उसकी तरफ से FIR दर्ज हुई, क्योंकि पुलिस ने माना कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है, तो जो नंबर उस पंपलेट में मेंशन थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई चलेगी। पुलिस टीम भेजकर मंदिरों के बाहर से बैनर पोस्टर हटाने शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए ऐसा कदम उठाया है ताकि बैनर पोस्टर लगाए जाने के बाद इस मामले को लेकर विरोध ना शुरू हो जाए। भविष्य में ऐसे बैनरों को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश से लगी आग अब उत्तराखंड राजधानी देहरादून में देखने को मिल रही है। युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों के बाहर बैनर लगा दिए हैं जिसमें साफ लिखा है कि गैर हिंदू का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। वहीं इस तरीके का उन्माद फैलाने वाले संगठन के खिलाफ पुलिस ने भी उनके सचिव पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट लई अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। इस पर चर्चा करेंगे लेकिन आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दुकान बिल्कुल नहीं है या एक दुकान है, अनसर्व्ड है। डार्क रेड जितना है वो अनसर्व्ड है और जो लाइट रेड है वो अंडर सर्व्ड है, जिसमें केवल शराब की एक दुकान है वैसा ये एरिया है। तो इसको और दूसरा जो ब्लू है, ब्लू एरिया वो है जो ओवर सर्व्ड है। तो दिल्ली में अगर देखें तो या तो दिल्ली के कुछ इलाके ओवर सर्व हैं और दिल्ली के ज्यादातर इलाके अनसर्व हैं या बहुत बुरी तरह से अंडर सर्व हैं, उसकी वजह से दिल्ली में शराब माफिया अपनी जगह बना पाया है। सबसे बड़ा कारण उसमें यह है। मैं इस मैप को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। दिल्ली में आप सबको पता है 272 वार्ड्स हैं, तो इन 272 वार्ड्स में से 80 वार्ड्स ऐसे हैं, 79 वार्ड्स ऐसे हैं जहां जीरो शॉप है, एक भी शॉप नहीं है। ये डार्क रेड जो है वो आपको एरिया दिखाया है। 45 वार्ड्स ऐसे हैं जहां एक शॉप है, जो लाइट वो दिखाया है आपके सामने, और थोड़ा सा ग्रीन जो है जो दिखाया है लाइट ग्रीन वाला, जहां दो शॉप्स हैं। ये सारा इस तरह से देखें तो 158 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 272 में से 58% दिल्ली या तो अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है। या तो एवरेज के हिसाब से देखें तो या तो वहां शराब नहीं उपलब्ध है, कोई दुकान नहीं है, या है तो इक्का दुक्का दुकान है, ऐसे में ही सारा अवैध कारोबार चलता है शराब का। दूसरी तरफ जो प्योर ग्रीन एरिया है उसको आप देखेंगे तो वो हम मान रहे हैं 3 एवरेज, अगर किसी वार्ड में दुकानें हैं तो वो जनरल है। केवल 8% ऐसा है जो नॉर्मली सर्व्ड है, स्लाइटली ओवर सर्व्ड 4 से 5 दुकानें हैं जहां पे, वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, हल्का सा लाइट ब्लूश। ये आप देखेंगे तो 37 वार्ड्स ऐसे हैं। इंटरेस्टिंग है कि इसमें 6 से 10 या मतलब 6 दुकानों से ज्यादा और किसी में तो 10 से ज्यादा दुकानें हैं। 54 वार्ड्स ऐसे हैं यानी कि 20% दिल्ली ओवर सर्व्ड है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ तो अवैध कारोबारी अपना काम चला रहे हैं, घरों में, गोडाउन में, दुकानों में अवैध शराब बेच रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम भी जानते हैं, हम बात भी करते रहते हैं आपस में, कि एक एक गली में 2-2, 3-3 दुकानें हैं। यहां तक कि कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहां 8-8, 10-10 दुकानें तक हैं शराब की और वो खुलती चली गई। तो ये एक तस्वीर है दिल्ली के सिस्टम की जो मैंने आपके सामने रखी। यही चीज मैं रेवेन्यू के भी कह सकता हूं आपके सामने कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैंने नोट की थी कि 50% 850 के करीब दुकानें हैं, उनमें से 50% दुकानें केवल 45 वार्ड्स में हैं। तो आधी दुकानें जो लिकर शॉप्स हैं वो तो 45 वार्ड्स में ही हैं। तो इस तरह से बहुत ही अनइक्वल
सर्विंग ऑफ लिकर की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे रह जा रहे हैं यहाँ जो या तो ओवर सर्व है या एकदम सर्व नहीं है। तो यहाँ आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब पर लोगों की दिक्कतें हैं, जो शराब के ठेके लोग बंद करवाने की बात कर रहे हैं उनके लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य, और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव।